ब्रेकपछि स्वागत छ तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। कुनै पनि देशका राष्ट्र प्रमुखको भारत भ्रमणले कतिको महत्त्व पायो भन्ने कुरा भारतीय पक्षको व्यवहारबाट थाहा हुन्छ। भ्रमणका क्रममा दुई देश बीचको उच्चस्तरीय छलफलपछि भारतीय पक्षले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर वक्तव्य जारी गरे। भ्रमणले महत्त्व पायो भनेर बुझ्नुपर्छ। यो अर्थमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणले विशेष महत्त्व पाएको छ। भ्रमणको दोस्रो दिन उच्चस्तरीय छलफलपछि संयुक्त पत्रकार सम्मेलन समेत आयोजना गरिएको थियो। पत्रकार सम्मेलनलाई दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको संयुक्त सम्बोधन हेरौँ। भारतको छिमेकी मित्र राष्ट्र नेपालको प्रधानमन्त्री राइट अनरेबल शेरबहादुर देउबाजी र अन्य नेपाली अतिथिगण तपाईँहरूका भारतमा हार्दिक स्वागत गर्दा मलाई धेरै खुसी लाग्छ। एक करिबी पडोसी और मित्र देश की तरह भारत नेपालमै शान्ति स्थायित्व और उसकी आर्थिक समृद्धि के प्रति हमेशा सजग रहता है। भारत को नेपाल के विकास और आर्थिक प्रगति के प्रयासों में साझेदारी होने का सौभाग्य प्राप्त है। एक्सलेंसी, लोकतंत्र से आई उन्नति, शांति की स्थापना और सर्वांगीण विकास के लिए नेपाल के नागरिकों की उपलब्धियों की हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, सराहना करते हैं। मैं नेपाल सरकार को बधाई देता हूं कि स्थानीय निकाय के चुनावों को दो चरणों में सफलतापूर्वक कराया गया। नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आपने जिस तरह व्यक्तिगत तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उसकी हम प्रशंसा करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके कुशल और अनुभवी नेतृत्व में समाज के सभी वर्गों में और सभी वर्गों से बात करने की प्रक्रिया को जारी रखते हुए नेपाल अपने सभी नागरिकों की आकांक्षाओं को समाहित करते हुए संविधान को सफलता के साथ लागू कर सकेगा। साथियों, आज प्रधानमंत्री देउबा और मैंने दोनों देशों की साझेदारी की असीम संभावनाओं पर बहुत विस्तार से और बहुत सकारात्मक बातचीत की है। हमने विभिन्न स्तर पर अलग अलग क्षेत्रों में दोनों देशों के संबंधों को आगे बढ़ाने वाले नए रास्ते और नए अवसरों पर विशेष तौर से ध्यान दिया है। हमें खुशी है कि नेपाल में भारत के सहयोग से चल रही विकास परियोजनाओं जैसे हुलाकी रोड्स, ट्रांस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन लाइन्स और इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट पर काम हो रहा है। आज हमने संयुक्त रूप से कटैया कुशवाहा और रक्सोल परवानीपुर ट्रांसमिशन लाइन्स का उद्घाटन किया। इसे भारत द्वारा नेपाल को दी जा रही लगभग 350 मेगावाट बिजली में 100 मेगावाट अतिरिक्त बिजली और जुड़ जाएगी। हम अपनी आर्थिक साझेदारी के विभिन्न आयामों जैसे ऊर्जा, जल संसाधन, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स और भूकंप के बाद रिकंस्ट्रक्शन के कार्यों में साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री देउबा और मैं इस बात पर सहमत हुए हैं कि पहले से चल रहे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को तय समय सीमा में पूरा करने के लिए अपने प्रयास हम और बढ़ाएंगे। अब मुझे खुशी है कि जब देउबा जी ने मुझे बताया कि अरुण 3 के लिए नेपाल में भूमि का मामला सुलझा लिया गया है, मैं देउबा जी का धन्यवाद करता हूं।
कि उसके शिलान्यास के लिए उन्होंने मुझे नेपाल का निमंत्रण दिया है, मैं उनका आभारी हूं। हम इस बात भी सहमत हुए कि पंचेश्वर प्रोजेक्ट के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट डीपीआर को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में भी तेजी लाई जाएगी। दिस इज माय फोर्थ विजिट एज प्राइम मिनिस्टर टू इंडिया। आई टेक द अपॉर्चुनिटी एज एन एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी टू कंटिन्यू हाई लेवल डायलॉग विद इंडियन लीडर्स। एज यू मेंशन्ड राइट नाउ दैट अबाउट पंचेश्वर दैट यू सेड विद इन दिस ईयर डीपीआर शुड बी कंप्लीटेड, आई एम थैंकफुल टू यू एंड if DPR Panjshir can be completed within a month or two, definitely we can go ahead for constructing Panjshir high dam so that both the country will be benefited from the flood control as well as electricity and irrigation. As he always, thank you very much for allowing me also to switch the so that electricity from Parwanipur, Raksol can be generated. And we are thankful to you that India has already given us 300 megawatts of power and additional 100 megawatts of electricity, and we will be very much benefited from our people in Nepal. Regarding Nepal-India relations, stand the solid foundation built on the one hand by the rich tradition and civilizational, cultural, socio-economic linkage, on the other hand by two countries' firm commitment to the time-tested principle and sovereign equality, peaceful coexistence and respect and recognition for each other's sensitivity and aspirations. Our relations are comprehensive. These relations have been enriched by people, noble ideas, values and principles. Nepal is not only a neighbor, it is also a good friend of India. We share common interests on democracy, development and dignity for each other. Mr. Modi ji, as I discussed, that regular engagement at the highest political level would greatly contribute to sustain and cement trust and convenience. This visit is mine as an effort to that direction. Both of us agree that there are tremendous opportunities in Nepal-India relation, enormous potential in the economic field, particularly in water resources, trade and investment. With the end of long political transition, Nepali people stand threshold of a new era of progress and prosperity. This has come now, translate aspirations and desire into reality. With a strong partnership and collaboration, we can make a difference and give our people to dignified life. Prime Minister Modi ji, and I noted with satisfaction that bilateral projects have started again momentum in the past 1 year after regular monitoring and joint oversight of mechanism implementation of agreement will continue to receive enhanced focus. प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भ्रमणलाई भारतीय पक्षले विशेष महत्व दिएको छ। पहिलो दिन मोदीको सरप्राइज भेटले नै पुष्टि गरिसकेको छ। भ्रमणको दोस्रो दिन सम्पन्न उच्च स्तरीय छलफलपछि आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनले पनि देउवाको भ्रमणले प्राथमिकता पाएको बुझ्न सहज छ। दुई, प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलाई आधार मान्ने हो भने भारत पञ्चेश्वर आयोजनालाई अगाडि बढाउन अग्रसर बनेको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै पञ्चेश्वर आयोजनाको डिपिआर तत्काल बनाउने बताए। पञ्चेश्वर आयोजना भारतले बनाउने सम्झौता भएको 20 वर्ष बितिसकेको छ। त्यसैले भारतीय प्रधानमन्त्रीले पञ्चेश्वरको डिपिआर बनाउने
प्रतिबद्धता जनाउनु पनि नेपालका लागि उपलब्धिमूलक मान्न सकिन्छ। यसरी हेर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण उपलब्धिमूलक नै हो, तर प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणलाई नेपाली र भारतीय मिडियाहरूले कसरी लिएका होलान्, देखाउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि।